रायसेन के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवरलाल पटेल के घर हुई बड़ी चोरी का सोमवार को दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा कर दिया गया है। वहीं करीब 51 लाख रुपए की चोरी के इस मामले में दो पुरुष आरोपी सहित दो महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेकर रायसेन कोर्ट में पेश किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP अमृत मीणा और SDOP रायसेन आदित्य सक्सेना, कोतवाली TI आशीष चपरे सहित AJ के थाने के DSP रवि शर्मा, VK सेन, सब इंस्पेक्टर विशेष रूप से मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि सागर रोड के सुधा आवास परिसर खरगावली पर रायसेन के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवरलाल पटेल के भाई अनिल धाकड़ के घर 27 जुलाई 2022 को बीती रात अज्ञात चोर गिरोह ने खिड़की और दरवाजे के रास्ते से प्रवेश कर धावा बोला था। यहां से चोर गिरोह ने नकदी 7 लाख रुपए सहित करीब 45 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि चोरी के मामले के आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कोतवाली पुलिस ने करीब 9.5 लाख रुपए की सोने चांदी के जेवर बरामद होना बताया है। इसने नकदी 7 लाख रुपए सहित 45 लाख रुपए की कीमत के सोना चांदी के जेवरात चोरी गए थे। बाकी 6 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस बड़ी चोरी का खुलासा हो पाएगा। रायसेन शहर में घटित हुई चोरी की इस बड़ी वारदात के घटित हो जाने के बाद पुलिस ने इस बड़ी चुनौती मानते हुए SP विकास कुमार सहवाल, एडिशनल SP अमृत मीणा के निर्देशन में कोतवाली TI आशीष अपरे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गठित कर सुराग लगाने में जुटी हुई थी। इसके बाद ही कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ASP अमृत मीणा ने बताया कि इस बड़ी चोरी में शामिल मास्टरमाइंड बाबूलाल मोगिया है, जो बड़ी होशियारी से विदिशा सराफा बड़ा बाजार में चोरी के जेवरातों को सराफा बाजार के कारोबारियों को कम दामों में बेचकर नकदी रुपयों का बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा कर लेता था। जिला मुख्यालय पर 27 जुलाई को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री भंवर लाल जी के भाई रमेश जी के यहाँ एक बड़ी नकद देने की घटना हुई थी, जिसमें करीब 25 लाख से अधिक सोना चांदी और नकदी का सामान चोरी किया गया था। इस मामले को पहले दिन से ही पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और विभिन्न सोर्सेस से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर इसमें एक आरोपी बाबूलाल मोगिया निवासी गुड़गांव पहले हमने हिरासत में लिया था,